वेलकम टू जिंजर क्रीम। अज असी बनाने जा रहे हैं गोभी के पकौड़े। पकौड़े किसी भी तरह के होन, बरसात के मौसम या ठंड के मौसम में बहुत स्वाद लगते हैं। ताजे घर में गैसट आए होने पर तुम छेती छेती पकौड़े बना के सर्व कर सकते हो। मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकौड़े। गोभी के पकौड़े बनाने लिए सब तो पहला सानू चाहिए बेसन। मैं लिया एक कप बेसन, 300 ग्राम गोभी मैं कट के छोटे पीसा में रख लिया। उस तो बाद लिया मैं 1/2 टेबल स्पून अनारदाना। मैं अनारदाना साबत लिया, तुम पीसया हुआ जी अनारदाना पाउडर भी यूज कर सकते हो। 1 टेबल स्पून कटिया हुआ हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, लून स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, तो राइस फ्लावर। राइस फ्लावर असी यूज करते हैं ताकि पकौड़े क्रिस्पी रहें। हम सब तो पहला असी बेसन का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए सू थोड़ा थोड़ा पानी पा के असी शुरू करना है। बेसन का घोल ताडा ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर करना जो तुम घोल बनाने ये सुक्का बेसन नहीं रहना चाहिए, डंडियां नहीं रहनी चाहिए। इसलिए असं 4 से 5 मिनट लगातार हिलाना है ताकि डंडी ना रहे बेसन। ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। हम असी ये ऐड करा मसाले। सब तो पहला अपना ये अनारदाना पा देंगे। फ्लावर नाल पकौड़े क्रिस्पी रहेंगे। लून स्वाद अनुसार, मिर्च भी तुम वध जां घट पा सकते हो क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हो, एक तो ज़्यादा मिर्च भी यूज कर सकते हैं। हुण असी सारे मसाले बेसन के घोल में चंगी तरह मिक्स कर लेने। साडा तेल भी बिल्कुल रेडी है। मेक श्योर करना कि तुम पकौड़े तलते समय तेल मीडियम फ्लेम पर रखना है। जे तुम हाई फ्लेम पर रखोगे तो पकौड़े बाहरों जल जाने, अंदरों कच्चे रहने। तुम पकौड़े मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर। तो इसे ये वाला मोमेंट
तक फ्राई करना है, जिन्नी देर तक मेरा कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े तैयार हैं। पकौड़े बहुत ही स्वाद के क्रिस्पी बने हैं। हुण असीं इन्हां नूं सर्व कर सकते हैं कैचअप के नाल जां हरी चटनी के नाल। तुसीं इस रैसपी नूं घर विच ट्राई करो ते मेरे नाल शेयर करो कि किद्दां दे बने हन पकौड़े। मैं फिर मिलांगी नवीं रैसपी के नाल। तद तक लई बाय बाय।